पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर इलाके में एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं। पहले हुए दो धमाकों के बाद गुरुवार को तीसरा धमाका हो गया। पहले हुए धमाकों से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब के अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट इलाके में बीते शनिवार को पहला बम धमाका हुआ था। हेरिटेज स्ट्रीट के नजदीक एक मिठाई की चिमनी की वजह से यह धमाका हुआ था। धमाका इतना तेज था कि कांच और कंकड़ उछलकर श्रद्धालुओं पर आ गिरे थे। कुछ घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे। इस धमाके के करीब 32 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ था। बीते सोमवार को सुबह करीब 6:30 बजे धमाका हुआ था। वहीं तीसरी बार फिर ब्लास्ट हुआ है। इस बार आधी रात को स्वर्ण मंदिर के पास धमाका हुआ है। धमाके की आवाज से आसपास के लोग घरों से बाहर निकलते नजर आए। आपको बता दें कि आला पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके में जुट गई। पिछले 5 दिनों में बम धमाके की ये तीसरी घटना है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।